जय हिंद वंदे मातरम। तो दोस्तों यदि आप लोग CISF ट्रेड्समैन में फिजिकल पास कर लिए हैं और एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों का लिखित परीक्षा, आप लोगों का जो फिजिकल डॉक्यूमेंट और ट्रेड टेस्ट के बाद लिखित परीक्षा होना है बहुत कम समय है। समझिए आप लोगों के पास आज से समझिए तो कम से कम 2 महीना बचा हुआ है लिखित परीक्षा का। मई में आप लोगों का लिखित परीक्षा होगा। अब काफी स्टूडेंट यहां पर कमेंट करेंगे इतना जल्दी कैसे, तो इस वीडियो में सारी चीजें जान लीजिए। एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या निगेटिव मार्क है, कितना का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना नंबर आप लोगों को लाना है और जो आप लोगों कट ऑफ है, जो आप लोगों को फाइनल मेडिकल के लिए कितना नंबर लाने पर आप लोगों को मेडिकल में बुलाया जाएगा, OBC SC ST EWS सभी कैंडिडेट को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और लेवल जो एग्जाम का जो आप लोगों का लेवल है वह किस प्रकार का होगा, तो दोस्तों बता दें कि CISF ट्रेड्समैन 787 पोस्टों का फिजिकल अभी बहुत बढ़िया चल रहा है और 5 अप्रैल को हम फिजिकल सेंटर पर गए थे तो जहां पर 400 बच्चों को बुलाया जा रहा है तो समझिए वहां पर 200 180 190 200 के बच्चे, 250 के बच्चे इस तरह से पास हो रहे हैं, क्योंकि इसमें हाइट में और रनिंग में और ट्रेड टेस्ट में 3 जगह बच्चे यहां पर रिजेक्ट हो रहे हैं, पहला हाइट में, फिर रनिंग में और ट्रेड टेस्ट में। यदि ट्रेड टेस्ट नहीं रहता तो बच्चों की पास होने की संख्या ज्यादा होती, लेकिन यहां पर 3 चीज में है, पहला हाइट, फिर रनिंग और फिर ट्रेड टेस्ट, इसलिए 3 जगह बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं, काफी कम बच्चे फिजिकल में पास हो रहे हैं। इसमें आपकी जो स्टूडेंट फिजिकल क्वालिफाई हो गए हैं समझिए उसके पास इतना अच्छा मौका है, यदि वो मेहनत करेगा तो वह सिलेक्शन पा लेगा, क्योंकि इसका बहुत कम कटअप जाएगा इस बार। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम एग्जाम सिलेबस की बात करते हैं, एग्जाम कब होगा ये भी हम डेट आप लोगों को बताने वाले हैं और आप लोगों का एग्जाम कितने नंबर शेड्यूल में है ये भी हम आप लोगों को बता देते हैं और जैसे हम बताते हैं वैसे ही आपका एग्जाम होगा, ये आप देख लीजिएगा। जैसे हम आप लोगों को बताए थे कि पहले CISF फायरमैन का फिजिकल होगा, फिर CISF ट्रेड्समैन का होगा, फिर CISF हेड कॉन्स्टेबल 540 का होगा और फिर देखिए CISF ट्रेड्समैन का होगा, तो लास्ट में आप लोगों का फिजिकल हो रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को हम बता दें कि एग्जाम सिलेबस की बात करें तो एग्जाम आप लोगों का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ गए, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 GK GS से, 25 हिंदी से या इंग्लिश से, 25 रीजनिंग से, 25 मैथ से। निगेटिव मार्क नहीं है, एग्जाम ऑफलाइन होगा, समझ गए। कुल 50 सेंटर हैं एग्जाम के, CISF ट्रेड्समैन का जो एग्जाम होगा तो सभी राज्य में हो, आपके अपने राज्य में ही होगा एग्जाम सेंटर, समझ लीजिए, समझ गए। और एग्जाम के बाद सीधा मेडिकल में बुलाया जाएगा, तो समझ लीजिए भाई यदि आप फिजिकल क्वालिफाई हैं, मतलब ट्रेड टेस्ट और क्वालिफाई करके घर आ गए हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ITBP पशु परिवहन सिपाही एनिमल ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है। दोस्तों ये बुक 100% न्यू सिलेबस पर आधारित है, साथ में इस बुक में 1950 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, हल एवं व्याख्यात्मक सहित, साथ में 20 प्रैक्टिक सेट दिए गए हैं जो हल एवं व्याख्यात्मक सहित है। दोस्तों यदि आप लोग इस बुक को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए और ITBP एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए इस बुक को ऑनलाइन खरीद लीजिए, जो कि बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की। सब कुछ तो समझ लीजिए, आपके पास इतना अच्छा मौका है कि आप एग्जाम क्वालिफाई कीजिए और सीधा मेडिकल में जाइए, लेकिन नंबर कितना लाना पड़ेगा रही बात, तो दोस्तों यहां पर हम आप लोगों को बता दें कि भाई ओबीसी कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हैं, 70+ यदि आपका नंबर आ रहा है, 70+ यदि आपका नंबर आ जाएगा CISF ट्रेड्समैन के एग्जाम में, तो आपका समझ लीजिए ओबीसी है 70+ 75, समझ गए, तो आपका यहां पर मतलब कि सिलेक्शन का चांस है, मेडिकल के लिए आपको बुला लिया जाएगा, समझ गए। और बता दे आप लोगों को SC की बात करें तो SC को 65 से लेकर 70 के बीच में रहना है, चाहे वो कुक हो, सफाई वाला हो, कोई भी ट्रेड हो, क्योंकि बच्चे काफी कम पास हो रहे हैं, 400 बच्चे में से बोले ना आपको 180 200 बहुत हो गया, क्योंकि बच्चे यहां पर बहुत ज्यादा चेस्ट में भी रिजेक्ट हो रहे हैं, रनिंग में भी रिजेक्ट हो रहे हैं, हाइट में भी रिजेक्ट हो रहे हैं, ट्रेड टेस्ट में भी रिजेक्ट, 4 जगह बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं। यदि 10-10 20-20 बच्चा ही हुआ तो समझ लो
150-200 बच्चा तो वैसे रिजेक्ट हो गया शुरू में ही। तो समझ लिए दोस्तों आप लोगों की कितनी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका सिलेक्शन का, मतलब कि यहाँ पर सिलेक्शन का चांस हाई है, लेकिन जो स्टूडेंट मेहनत करेगा उसके लिए। तो आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बता दें दोस्तों आप लोगों को इसमें निगेटिव मार्क नहीं रहने वाला है, पेपर ऑफलाइन होगा, और आप लोगों को मई में लगभग 20 और 25 तारीख तक में, 20 से लेकर 25 तारीख तक में मई में सीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम होने वाला है। जो हमें सूचना मिल रही है हम आप लोगों को इस वीडियो में बता रहे हैं कि सीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम 20 से लेकर 25 मई के बीच में होने वाली है। यदि सीएसएफ फायरमैन का मई में भी होगा, सीएसएफ हेड कांस्टेबल 429 का 540 का भी होगा, मई से थोड़ा आगे जा सकता है, लेकिन 20 से 25 मई के बीच में आप लोगों को लिखित परीक्षा होने की संभावना है जो सूचना आ रही है। क्योंकि सीएसएफ का कहना है कि जब हम फिजिक एग्जाम स्टार्ट करेंगे तो सबका एग्जाम 10 दिन के अंतराल पर हम सबका एग्जाम कंप्लीट करवा लेंगे। तो दोस्तों तैयारी में लग जाइए, जो फिजिकल पास कर लिए हैं 29 अप्रैल का, जिसका भी फिजिकल आगे है, यदि 29 अप्रैल तक में कभी भी आप यदि फिजिकल पास करते हैं तो भाई आपके पास एक महीना बचा है, यदि आज से देखते हैं तो 2 महीना बचा है एग्जाम का, और एग्जाम केवल आप लोगों का 10वीं लेवल का होगा, समझ गए, एग्जाम जो होगा वह 10th लेवल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि इस बार सीएसएफ ट्रेड्समैन में सिलेक्शन लेना है। मेडिकल में क्या होगा ये भी हम आप लोगों को बता देंगे, लेकिन एग्जाम में हम आप लोगों को बता दिए कि 10th लेवल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मई में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो तैयारी में लग जाइए, समझ गए दोस्तों। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और ट्रेड टेस्ट के लिए यदि आप लोग वीडियो चाहते हैं कि हाँ ट्रेड टेस्ट के लिए वीडियो बनाइए कि ट्रेड टेस्ट कैसे किसका हो रहा है, तो नीचे कॉमेंट कीजिए, हम ट्रेड टेस्ट के लिए वीडियो बना देंगे। और आप लोगों को मई के लास्ट वीक में एग्जाम होने वाला है सीएसएफ ट्रेड्समैन का, कान खोल के सुन लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।